मैं आपका दोस्त राजू बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक कमाल के नए एपिसोड में। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ख़ास बात ये कि आज हमारे साथ में हमारे सौरभ भाई। हेलो, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग फैमिली पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं देखते हैं। संगम काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा दें वहाँ पे है। और हम लोगों को नाव बुक करके जाना होगा, तो देखते हैं नाव वाला कितना रुपए लेता है। चलिए बात करते हैं नाव वाले से। ये हमारे नाव वाले भाई हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कितना रुपए है नाव का किराया। हाँ, जैसे जाओगे दो लोग का कितना है? देखिए, आप ही दो लोग जाएंगे, आपका पड़ेगा 450। बहुत ज़्यादा। ये नाव वाले भाई साहब खाली दो लोग का 450 मांग रहे थे, लेकिन अगर साथ में जाएं सवारी के साथ तो 60 रुपये केवल लगते हैं खाली बस इस नाव के। और यहाँ से चलेंगे हम लोग स्नान करने संग। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, नाव पे बैठ गए हैं और चल रहे हैं संगम की तरफ, जो कि हम लोग सीधे पे जाएंगे वहाँ पे। और हमारे साथ में सौरभ भाई, क्या बोले सौरभ भाई, मजा आ रही है? बहुत है। हाँ, बहुत बहुत। चलिए बढ़िया है। सो फ्रेंड, फाइनली घाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हुए हैं, तो चलिए हम भी स्नान करते हैं। सो फ्रेंड, हमने स्नान अभी कर लिया। और एक ख़ास बात ये बताते कि ये जो आप पक्षियाँ देख रहे हैं, ये साइबेरियन पक्षी हैं। ये हर साल इसी तरह यहाँ पे आती रहती हैं, देख लीजिए। स्नान करने के बाद हम लोग सीधा बड़े हनुमान जी मंदिर के पास पहुँचे और वहाँ से हमने प्रसाद लिया और बड़े हनुमान जी का दर्शन किया। इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।